नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नगर पंचायत अर्गी के वार्ड नंबर 5 के लोगों ने वार्ड की सड़क पर लगे गति अवरोधक तोड़ने को लेकर भारी रोष व्यक्त किया। लोगों का कहना है कि गली सकरी है और हर समय दो पहिया और चार पहिया वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। मोहल्ले में छोटे बच्चे सड़क पर खेलते कूदते और दौड़ लगाते रहते हैं, इससे तेज गति से आने वाले वाहनों से कोई भी दुर्घटना घट सकती है। मौके पर पहुंचे वार्ड नंबर 5 के पार्षद और नगर पंचायत उपाध्यक्ष हेमेंद्र गुप्ता ने बताया कि उन्हें पिछली रात को वार्ड से फोन आया कि वार्ड में सड़क पर बने अवरोधक तोड़े गए हैं। प्रातः उन्होंने देखा कि सड़क पर बने अवरोधकों को तोड़कर सड़क को समतल कर दिया गया है। उन्होंने मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष जेई और ठेकेदार को बुलाया तो जेई और अध्यक्ष ने इस बारे में अनभिज्ञता जताई। वहीं ठेकेदार ने कहा कि किसी व्यक्ति ने उससे ये कार्य करवाया है। उन्होंने कहा कि उनके वार्ड में जो भी कार्य होगा उसके बारे में उन्हें पहले बताया जाए। इस दौरान उन्होंने वार्ड के लोगों को गति अवरोधक लगवाने का आश्वासन दिया। अर्की से हमारी संवाददाता शहनाज की रिपोर्ट। लोगों का फोन भी आया और फिर मुझे आज उन्होंने शाम को उन्होंने मैसेज दिया था कि ऐसे साहब के वार्ड में कोई स्पीड ब्रेकर लगे हो, उनको अपनी मर्जी से किसी ने तोड़ दिया हो। तो फिर मैं सुबह आया, फिर सुबह आकर मैंने यहाँ पे देखा तो वो स्पीड ब्रेकर सच में ही टूटा हुआ था। फिर मैंने प्रधान को फ़ोन किया, सेक्रेटरी को फ़ोन किया, पंचायत वालों को सभी को बुलाया, ठेकेदार को बुलाया जिसने यहाँ पे काम लगाया। तो मैंने ठेकेदार से पूछा भाई किसने तोड़ा, तो ठेकेदार ने बोला कि एक बंदा था भाई, उसने झब्बल लेके तोड़ दिया, नाम तो उसने नहीं बताया उसका कि किसने तोड़ा। तो फिर अब जब नगर पंचायत पूरी आई है, अब नगर पंचायत में हमने यही बोला कि इसको जैसी पोजीशन उसी पोजीशन में द्वारा बढ़ा दिया जाए, हमारा और कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आगे के लिए जो भी काम हो 5 नंबर वार्ड में मेंबर को जो है जरूर पूछना चाहिए, इसमें मेरे बगैर पूछे हुए काम हुआ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।